नमस्कार। इसी देश में पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी उलूल जुलूल बातें कही जाती हैं। आपने देखा गोडसे की पूजा भी होती है, लेकिन आज दिल्ली में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो इसके बाद उस पोस्टर को छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस समेत कई लोगों के खिलाफ दर्जनों FIR हुई और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। विपक्ष का ये कहना है कि ये आवाज़ दबाने की केंद्र सरकार की चाल है ताकि विरोधियों को अपनी बात कहने का मौका न मिले। अब आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि इसी जंतर मंतर पर जहां मैं आया हूं वो मोदी हटाओ देश बचाओ रैली कल यानी कि बृहस्पतिवार को करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के माफी पर अड़ी बीजेपी और विपक्ष अडानी मामले में JPC मामले पर अड़ा हुआ है, इसकी वजह से संसद नहीं चल पा रही है। राहुल माफी के नाम पर कहते हैं कि मोदी का विरोध या RSS का विरोध या BJP का विरोध देश का विरोध नहीं है। तो बात यही है, आज माहौल क्या है मैं बात ये करूँगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों की आलोचना या उनका राजनीतिक विरोध देश का विरोध है, आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैंने सोचा है उसी जगह पर चला जाए जो विरोध और प्रदर्शन की का प्रतीक है, जिसका नाम है दिल्ली का जंतर मंतर। यहाँ आप जब भी आएंगे तब आपको कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ एक विरोध पर, अब मैंने आपको कई बार बताया कि जंतर मंतर में अब समय निश्चित है, तो एक समय से लेके 10 बजे से 4 बजे या 5 बजे या 2:30 बजे जितने की परमिशन हो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कुछ मंच सजे थे जो उखड़ रहे हैं, कल फिर दूसरे मंच सजेंगे। कुछ लोग जो यहाँ विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की नीतियों का करने आए हैं, आज उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतियों का विरोध देश का विरोध है और ये लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं ये भी जानिए। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बेचारे दूर दराज के इलाकों से दिल्ली आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और चले जाते हैं। मीडिया में आजकल विरोध प्रदर्शन की खबरें तो दिखाई भी नहीं जाती हैं। बहरहाल माहौल क्या है मैं यहीं से शुरुआत करते हैं। ये राशन डीलर्स का एक एसोसिएशन है जिसमें कि प्रहलाद मोदी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हैं वो भी इसमें बहुत सक्रिय रहते हैं। कुछ बीमारी के चलते वो इस बार के विरोध प्रदर्शन में नहीं आए थे। अभी पहले इन्हीं से बात करते हैं। मंच पर आप ही बैठे हैं? बैठे हैं, बताइए। इस ये राशन एसोसिएशन वालों में आप किसी पद पर हैं? हम जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। ओ, प्रतापगढ़ के? जी। तो आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है कि भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जब वन नेशन वन राशन कार्ड निश्चित हुआ बनाया गया तो वन नेशन वन राशन कार्ड वन कमीशन भी होना चाहिए। देश में सारे देशवासियों का कमीशन एक बराबर होना चाहिए। दिल्ली सरकार 200 रुपये कमीशन दे रहे प्रति कुंतल, गोवा में 140 है, उत्तर प्रदेश में अभी 70 रुपये से बढ़ाकर पिछली बार हम लोग आए थे धरना प्रदर्शन किए थे तो पूरे भारतवर्ष के कोटेदारों को 20 रुपये कुंतल के हिसाब से बढ़ा दिया गया। अच्छा, असर हुआ विरोध का? असर हुआ था पिछली बार 20 रुपये, लेकिन वो ना के बाद। हमको बताइए आपका नाम क्या? राजेश तिवारी। तिवारी जी एक बात बताइए, ये जो फ्री में राशन बट रहा है 5 रुपया 5 किलो मोदी जी के कोरोना की वजह से, तो इससे तो कह रहे हैं राशन डीलरों की बल्ले बल्ले हो गई। कोई सी को 5 किलो तो आप लोग दे नहीं रहे, उसमें खुद जर्ती काट रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अंगूठा लगा रहे हैं मशीनों से, ई पास मशीनों से पर्चियां निकलती हैं, वो अपनी पर्ची लेते हैं और फ्री में राशन ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात, बहुत शिकायत हमको गांव वाले करते हैं कि वजन में आप लोग बहुत हेर फेर कर, कहीं कहीं शिकायतें जो हैं उसके कारण आती है जो ठेकेदार हैं। एक मिनट क्या करें, ये मिथ्या शिकायत है। जो फिंगर लगाता है वो बिना राशन लिए नहीं जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि राशन लिए बगैर जाता जी, मैंने ये कहा वो शिकायत करते हैं 5 किलो की जगह 4 किलो आप देते हैं। 4 किलो भी नहीं देते। और ये भी है, आप लोग, मैंने कई राशन डीलरों से बात की, उन्होंने कहा हमको ऊपर से ही कम मिलता है, बड़ा इसमें चक्र चल रहा है। कम मिलता है ये सही है, जैसे छीजन जाता है, हैंडिंग लॉस जो होता है वो जाता है तो हम लोगों को कम मिलता है। उसकी वजह से जैसे किसी का 25 किलो है तो उसको आधा किलो या 1 किलो कम करके दिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ कम नहीं होता है। अब देखिए, अब उस पर हम देखिए,
देखिए, जैसे जो ठेकेदार हैं हर जिलों में नियुक्त हैं, राशन को होम डिलीवरी लागू हुई है घर घर तक पहुंचाने के लिए। एक बात है कि राशन डीलर और ये जो सप्लाई विभाग है सरकारों के, राज्य सरकार, ये फ्री अन्न योजना से बहुत खुश है। क्यों ये खुश होंगे, आप बताइए? जनता खुश है, ये बात नहीं है, लेकिन जो ठेकेदार हैं, हमको अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कि ठेकेदारों के द्वारा बोरी का वेट हमको नहीं दिया जाता है। बोरी का वेट एक बोरी 580 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक होती है, तो आप जोड़ लीजिए। वो सब बात, अब आपकी बात हो गई राशन की। एक बात बताइए, आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की नीतियों का विरोध देश का विरोध है? बिल्कुल देश का विरोध है। प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है, देश का विरोध कर रहा है। तो यहाँ आप क्या करने आए? हम अपनी मांगों को लेके आए हैं, हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करने आए हैं।